सातों सीटों पर हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे जीतेंगे। दौसा से इसी गर्मा जी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी पार्टी पक्के चले गई हुई है। 36 कौम के लोग मिलकर यहाँ से ऐतिहासिक जीत पार्टी को दिलाएंगे। उनकी ताकत लगा ले, मंत्र लगा ले, मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। दौसा ने हमेशा पुलिस का साथ दिया है, मीना जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज किसी बर्बाजी उम्मीदवार है भारी मतों सीट कर जाएंगे। लेकिन इनोडीलाल मीना के भाई है जगमोहन मीना, कितना कड़ा मुकाबला कांग्रेस मान। देखिए चुनाव चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं किसी को बयानित नहीं करता हूँ। क्योंकि चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात से किया है उसको लोग देख रहे हैं। और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है, हमारी सारी स्कीम्स उन्होंने बंद किया है। जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी के तरीके से, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। और अपने खुद के वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए। बीजेपी जनता जवाब मांगेगी और जनता को जवाब देने का एक अधिकार मिलता है चुनाव के माध्यम से। इस उपचुनाव में एक संदेश जाएगा, हमारी मतों से हम जीतेंगे। और दौसा में जहाँ का और चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक गरीब घर में पैदा होकर इस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो सभी मनों को जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत करता ही नहीं हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है। ये चुनाव दो दलों का है, दो विचारधाराओं का है और अपने काम के इतिहास के दम पर अपने इस दौसा के लिए किसने क्या किया या नहीं किया है जनता ने बराबर मौका लोगों को दिया है। लोग तुलना करेंगे किसके राज में ज्यादा काम हुए, कांग्रेस के राज में दौसा में कितने काम हुए और बीजेपी में कितने काम कराए हैं। भाजपा के नेता जो आज भाषण दे रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। आपके शासन में प्रदेश में लोगों पे गोलियां चली थी, समाज में टकराव लोगों के कराए थे, आपस में लोगों को भिड़ाया था, वो जो माहौल पैदा हुआ था उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं है। और आज जब दोबारा शासन में आप आए हैं, आपने बहुत सारे वादे किए और आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उपचुनाव में जनता मत बना चुकी दौसा में, यहाँ पे सब मिलकर बैरवाज को चुनाव मैच फिक्सिंग की अफवाह उड़ सकती है। मैंने कहा ना भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी और बैरवा साहब विधानसभा पहुंचेंगे। और जो लोग इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं या जो अपने बहुत अति आत्मविश्वास में आज जी रहे हैं हमारे साथी भाजपा, उनको पता पड़ेगा परिणाम की जब गणना होगी तो भारी बहुमत से किसी बैरवा विधानसभा पहुंचेगा।